इसमें देखो क्या है कि पहली चीज हमने कही साइज का, तो साइज में क्या होगा, जितना कैटायन का साइज क्या होगा बड़ा छोटा होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे पहली चीज हमने देखनी है कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा LiCl और KCl, तो Cl Cl सेम है उसे नहीं देखना है, किसको देखना है Li और K। तो Li का साइज छोटा है और K का साइज बड़ा है, तो जो साइज है वो K का बड़ा है Li का छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Li है इसका जो कंपाउंड बनेगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा KCl से, तो ये कोवेलेंट करेक्टर बताएगा। तो जो LiCl है उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। तो पहला फैक्टर जो है फैजान रूल का, फैजान रूल का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, साइज ऑफ कैटायन। सेकंड है लार्ज साइज ऑफ एनायन, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा लार्ज साइज होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। अगर कोवेलेंट करेक्टर पूछा जाता है आपके उसमें, तो कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा जितना एनायन का साइज बड़ा होगा। जैसे मैंने कहा एफ सी एल बी आर और आई, तो आई का साइज बड़ा है फिर बी आर का फिर सी एल का। तो जैसे मैंने लिखा एन ए एफ और एन ए सी एल, तो सी एल का साइज बड़ा है एफ का छोटा है, तो एन ए सी एल का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है और किसका कम है। तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसको देखने का तरीका क्या है, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, और चार्ज के रिस्पेक्ट में दोनों का चार्ज हाई होना चाहिए, कैटायन या एनायन। चार्ज के रिस्पेक्ट में देखो दो फैक्टर हैं, पहला है साइज, तो साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन। सेकेंड है इसमें चार्ज, तो जो चार्ज का फैक्टर है चार्ज में कहता है कि दोनों के चार्ज बड़े होने चाहिए, लार्ज, जितना लार्ज चार्ज होगा जितना हाई चार्ज होगा लार्ज द चाइज चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, तो क्या होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा, उतना उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा जितना उसका चार्ज क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा एन ए सी एल, दूसरा एम जी सी एल टू और तीसरा ए एल सी एल थ्री। तो एन ए पे +1 चार्ज, एम जी में +2 चार्ज और ए एल में +3 चार्ज। तो जो ए एल होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर एम जी सी एल टू का, और सबसे कम होगा एन ए सी एल का। तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा उसका कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा। ठीक है, तो चार्ज पे डिपेंड करता है, तो चार्ज दोनों का है। जैसे इसमें मैंने प्लस वाला दिखा दिया, अब मैं माइनस का भी दिखा सकता हूँ। तो माइनस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो जैसे मैंने दिखा दिया माइनस में एन ए एफ, दूसरा लिख दिया मैंने एन ए टू ओ, एन ए टू ओ, और तीसरा लिख दिया मैंने एन ए थ्री एन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें -1 चार्ज, इसका -2 चार्ज, इसका -3 चार्ज। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका होगा, जिसका -3 चार्ज है, फिर जिसका -2 है, और सबसे कम होगा -1 का। तो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, जिसका चार्ज भी ज्यादा होगा कैटायन और एनायन में से। अब यहाँ पे तीनों में एन ए है, तो इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, जो भी कॉमन होता है उसे नहीं देखते, केवल किससे कंसीडर करना है, जो डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा उसमें हमने इन तीनों चीजों को कंपैरिजन करना है। पहला कैटायन होगा तो उसका स्मॉल साइज होगा जितना उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, एनायन होगा तो जितना उसका बड़ा साइज होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, और अगर चार्ज देखोगे आप कैटायन और एनायन का तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इसको डिनोट करने के तरीके हैं इसमें। और लास्ट इसमें आता है, ये केवल किसके लिए है, डी ग्रुप के लिए। अब इसमें जैसे सी यू सी एल है कॉपर, तो सी यू सी एल में क्या होता है, जो कॉपर होता है ये होता है 29 और +1 का मतलब 28, तो इसका हो जाएगा 2818। तो जिसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी, वो कह रहा है कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को फॉलो करता है। स्यूडो मतलब फॉल्स, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होता है जिसमें 8 होते हैं, लेकिन जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 21 से 30 तक, अगर इसमें से किसी के लास्ट में 18 आ गया तो उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसे कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन।
कॉन्फिगुरेशन, और इसकी वजह से इसका कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे CuCl है और NaCl है, तो साइज को ना देख के हम क्या देखते हैं, अगर इसमें 18 ग्रुप आ गया है, इसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा बजाय NaCl के। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको भी ये ब्रेक डाउन कर देता है, और इसमें होता है जितना नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, उतना उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि उसकी पावर ज्यादा हो जाती है। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन होता है इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका फैजान रूल हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं 11th में भी और 12th में भी, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है 11th और 12th में। यहां से आगे कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसके बेस पे होंगे। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसमें दो रूल हो गए, एक फैजान रूल हो गया और एक बॉन्ड पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर ऑफ VSEPR थ्योरी। तो आज इसको रिपीट करना है क्योंकि बेसिक है ये, 11, 12 दोनों जगह आएगा काम, 12th में ज्यादा है इसके क्वेश्चन 11 से। ठीक, ओके, ठीक ठीक है फिर, थैंक यू सर।